नमस्कार सर, नेवा टाइम्स ऑनलाइन में आपका स्वागत है। इस बार मुहर्रम को लेकर उत्तर प्रदेश ने गाइडलाइन जारी किए हैं, यूपी पुलिस ने डीजीपी की ओर से सर्कुलर जारी किया गया है, क्या कहेंगे सर इसको लेकर? सर्कुलर जो भी जारी किया था हाली पुलिस के लिए है, पब्लिक के लिए नहीं, तो पब्लिक के लिए अभी तक कोई सर्कुलर जारी नहीं हुआ है, तो ज़्यादा अभी हम नहीं बता सकते कि क्या पाबंदियाँ हैं। लेकिन एक पिछले साल अलग आर्डर हो गया था कि साहब कोई सर्विस नहीं करेगा, घर में भी कोई ताजिया नहीं रखेगा, तो उस पर हमने बाकायदा धरना दिया था, बल्कि अपने खा रहे हम तो प्रोटेस्ट करेंगे, अपनी गिरफ्तारी देंगे, तो अल्लाह का शुक्र उन्होंने आर्डर वापस लिया था, फिर ताजिए भी घरों में रखे गए। और उसके बाद जुलूस की हमारी डिमांड कोई नहीं है, जब तक दूसरे धर्म वालों के जुलूस नहीं निकलेंगे उस पर तक हमारी कोई डिमांड नहीं है। जुलूस का मतलब ये है कि 500,000 आदमियों से लोग निकलना है, लेकिन ये हमारा ये कहना है क्योंकि जब ताजिया रखे जाते हैं तो उनके फिर आशूर के दिन दफन किया जाता है और घर से जाते हैं, जुलूस नहीं होता उसमें, फिर जुलूस दो आदमी होते हैं, तीन आदमी होते हैं, वो अपने ताजिया अपने सर पर रख के ले जाते हैं, एक दिन सवारी पर रख के ले जाते हैं, या उसको कपड़े पर भी लपेट लेते हैं, बाद तो हाथ लखनऊ में नहीं होता है, तो उसको भी बाहर से जाके वो दरबला में जाकर दफन करते हैं। तो हम जाते ही जिस पिछले साल ये था आधे साल भी हमको ये इजाज़त रहना चाहिए। और दूसरी चीज़ क्या, पिछले साल कोविड बहुत ज़्यादा था, इसकी वजह से उन्होंने सिर्फ 5 की इजाज़त दी थी, बल्कि 5 भी कहा था घरों में करें, माँ बाप में नहीं करें, लेकिन उसके बाद भी हम लोग इंतजार किया था, माँ बाप को इजाज़त दी थी, तो अब 5 वाली शर्त उनको हटा देना चाहिए, बल्कि ये देखना चाहिए कि भाई मास्क लगा हुआ हो, या अगर उस पर शर्त लगा दे कि जिन्होंने कोविड इंजेक्शन लगाए हुए हों वो आ जाए, और पूरी कोविड के कानून के तहत वहाँ पर से हो। लोगों से अपील है वो किस रूप में करेंगे, जो जुलूस ना निकालें, जो आम लोग हैं जो जुलूस निकालते हैं, जो ताजिया को लेकर जिनकी मान्यताएं होती है ताजिया निकालना, तो उनको किस तरीके से आप अपील? हमारा कहना है कि जुलूस की सूरत में न जाए, बल्कि जो घरों के ताजिए होते हैं उसको अपने इक्का दुक्का सूरत में ले जाए, उसको जाकर दफन करवाएं, और जुलूस की सूरत को ना हो। और दूसरी चीज हमारा कहना यह है कि भाई पॉलिटिकल रैलीज पर भी पाबंदी होनी चाहिए। ये क्या है, धार्मिक जुलूस को तो आपने पाबंदी लगा दी, पॉलिटिकल रैली जो है 10-10, 20-20, 50-50 की निकल रही, तो क्या पॉलिटिकल लोगों से कोविड से कोई दोस्ती वोस्ती क्यों हो गया, एग्रीमेंट हो गया है कुछ कोविड से कि उनके ऊपर कोविड हमला नहीं करेगा, सिर्फ धार्मिक को हमला करेगा, सिर्फ कावड़ियों पर हमला करेगा, सिर्फ अलग के जुलूस पर हमला करेगा, सिर्फ ताजी के जुलूस पर हमला करेगा और पॉलिटिकल जुलूस पर हमला नहीं करेगा कोविड, ये कौन सी खेल? उसके लिए ज़्यादा पब्लिक को जवाब नहीं दे पा रहे हैं, पब्लिक हमको तस्वीर दिखाती है कि फला सियासी रैली पल्ली रैली में इतना भारी मन भीड़, अभी अखिलेश जी ने निकाला तो इतनी भारी भीड़, अभी अमित शाह जी ने निकाला इतनी भारी भीड़, बंगाल में मालूम हजारों हजार की भीड़ जा रही है पॉलिटिकल, उस पर कोई पाबंदी नहीं, तो ये पब्लिक को हम जवाब नहीं दे पाते हैं। क्या है, जिस तरह से धार्मिक जुलूसों में पाबंदी है उसी तरह से पॉलिटिकल जुलूसों में पाबंदी होना चाहिए, वरना हम जवाब नहीं दे पा रहे पब्लिक को कि भाई क्या खेल हो रहा है हमारे साथ। क्या ये हमारी गुजारिश है कि जिस तरह से धार्मिक पर है उसी तरह से पॉलिटिकल पर भी पाबंदी लगाए, ताकि हम जबरदस्त अपनी पब्लिक को जवाब तो दे सके, सबके साथ बराबरी का सलूक हो रहा है।